हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन मार्क के क्वेश्चंस के बारे में। वन मार्क क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस है स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड। ये सब सीबीएसई बोर्ड में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है, क्वेश्चन वन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 42 एंड माइनस कॉसेक स्क्वायर 48। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 48 डिग्री, ठीक है। या तो 42 को चेंज करो, 42 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 48 लिख सकते हैं, या 48 को चेंज करो, क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। तो किसी इसको 42 लिख सकते हैं, तो किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तो जिसको भी चेंज करना है, चलो अगर हम इसको चेंज करते, किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना, एक को चेंज करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक 42 का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर 48। ये क्या हो जाएगा, 42 डिग्री को क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस 48 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर 48। तो देखो सेक 90 माइनस कितना हो जाएगा, सेक तो क्या होगा आपका, कॉसेक होगा, कॉसेक 48 का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर 48। तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक 48 माइनस कॉसेक 48। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि साइन, देखो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने यही काम किया है, क्लियर है। तो ये देखो ये कंप्लीट करके क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका जीरो आएगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, यहीं पर एक एक करके सॉल्व करते जा रहे हैं। ये सारे वन मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है स्टूडेंट, दे रखा इफ वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, वन प्लस कॉस ए वन प्लस कॉस ए एंड वन माइनस कॉस ए इक्वल टू कितना, 3/4 दे रखा है। तो देखो आइडेंटिटी यूज कर देंगे, कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होती है आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है, 3/4 है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वन कॉस स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम इधर लेके आओ, वन माइनस, या वन माइनस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, इसको हम साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, या कॉस की वैल्यू निकालो, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस के टर्म में निकालो, 3/4, और ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 4 - 3 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो कितना हो गया, 1/4 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो गया, 1 ± 1/2 हो गया, इतनी बात समझ में आ रही है, प्लस माइनस 1/2 हो गया। बट हमारे पास वी नो दैट सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा या सेक ए जो होगा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, इतनी बात समझ में आई। तो सेक ए इक्वल टू कितना है, कॉस की वैल्यू कितनी है, ±1/2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सेक ए जो होगा ±2 आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। सेक ए जो होगा वो क्या होगा, ±2 होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ±2, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं स्टूडेंट। देखो तो आप खुद से वीडियो पॉज करके खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ट्राई करिए, फिर उसके बाद मेरे से जो मैं जो कर रहा हूँ उससे आंसर आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, कॉट थीटा प्लस कॉट कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना है, एक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा कितना होगा, हमें ये बताना है। तो वी नो दैट, अब यहाँ पर देखो हमें आइडेंटिटी पता है, वी नो दैट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखा है, वी नो दैट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या मिलेगा हमें,
आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या मिलेगा हमें कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसकी आइडेंटिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है हमारे पास, ये हमें दे रखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कितना दे रखा है मतलब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स दे रखी है, तो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू हम क्या पुट कर लेंगे, एक्स पुट कर लेंगे, तो वन इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू एक्स, ठीक है, तो ये कितना होगा वन बाई एक्स हो जाएगा, मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा वन बाई एक्स होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई वन बाई एक्स हो गई, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट में है हमारे पास, बहुत आसान है स्टूडेंट, बहुत वन मार्क के क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो इसको हम कैसे करेंगे, क्या रखा है साइन साइन थीटा है इंटू सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, क्योंकि वी नो दैट सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ठीक है। अब तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल क्या है वन आ गया, क्योंकि हमारे पास कॉसेक थीटा जो होगा ध्यान देना कॉसेक थीटा वन बाई साइन थीटा होता है, ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस कर दिए तो ये वन हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट वन आ गई, क्लियर है, इतनी बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में बात करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, क्या रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो हमें पता है इसको चेंज कर सकते हैं हम, तो देखो हमारे पास आइडेंटिटी पता है, तो देखो यहाँ पर साइड वर्क कर लेते हैं, वी नो दैट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, इतनी बात समझ में आई, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्लियर है, तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के जगह पर क्या पुट करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, अब कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं वन बाई टेन थीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा होता है, ये आ गया वन बाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, कैंसल आउट होकर क्या मिला वन मिला, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है वन आ रही है, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, ये सब चीजें स्टूडेंट प्रैक्टिस से आएंगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू एक्स दे रखा है एंड सेक थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है वाई दे रखा है, फाइंड क्या करना है फाइंड कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो देखो सिंपल सी बात है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इतनी बात समझ में आए, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है साइन की वैल्यू गिवन है एंड सेक की वैल्यू, तो कॉस को क्या लिख सकते हैं वन बाई सेक थीटा लिखा जा सकता है और साइन थीटा को वैसे ही रखा, तो देखो दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर ले, तो साइन थीटा हमारे पास क्या था हमारे पास देखो यहाँ पर साइन थीटा क्या था हमारे पास एक्स था, साइन की जगह पर एक्स पुट कर लेंगे, सेक की जगह पर क्या था वाई था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वन बाई वाई हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, तो फाइनली हम क्या लिखे वन बाई वाई इंटू एक्स मतलब वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो फाइनली हमारे पास कॉट थीटा जो आया वो क्या है वन बाई एक्स वाई लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ रहा वन बाई एक्स वाई आ रहा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, तो ठीक है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये हमारा फिफ्थ सेवेंथ क्वेश्चन है, इफ कॉसेक थीटा कितना दे रखा है कॉसेक थीटा इक्वल टू फाइव बाई थ्री दे रखा है,
सॉरी 5/3 दे रखा है, और ये क्या होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर ट्राइंगल हम अगर डिजाइन करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मान लो ये थीटा है तो हाइपोटेनियस कितना है अगर 5 होगा, और ये परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास 3 होगा, तो ये वाली साइड हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा जिससे मतलब ए बी सी, तो ये कितना हो जाएगा, हम ये वाला निकाल लेते हैं, यहाँ पर साइड वर्क कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या होगा ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, वैसे 4 होगा सॉल्व करने में, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करके देखना होगा स्टूडेंट, क्लियर है। कभी कभी बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में गलत कर देते हैं, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर 9, ए बी का स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिल गया 16, ए बी का स्क्वायर, तो फाइनली हमें क्या मिला प्लस माइनस 4 मिल जाएगा, बट हमें क्या चाहिए लेंथ चाहिए, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, देयरफॉर ए बी इक्वल टू 4, ठीक है 4 आ गया, 4 यूनिट, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। तो अब देखो अब सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, तो बेस कितना है हमारे पास 4/5 है, टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा जो होता है हमारा पी बाई बी होता है, तो 3/4 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों, अब देखो इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है, क्या होता है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा हमारे पास कितना है 4/5 है, टेन थीटा कितना है 3/4 है, तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, ठीक है 20 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना 4/16 आ जाएगा, फिर इसको इससे 5 × 3 = 15, ये कितना आ गया 31/20, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट 31/20 आ रही है, ठीक है, तो ये आ रही है 31/20, क्लियर है स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे, मैथमेटिक्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये दे रखा हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो एक काम करते हैं किसी एक को चेंज करते हैं, 10 65 डिग्री माइनस थीटा, और ये माइनस कॉट 25 प्लस थीटा, तो किसी एक को चेंज करते हैं इसको, ये पूरा थीटा का काम कर रहा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस दिस वन 25 माइनस थीटा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही, सॉरी 90 माइनस 65 माइनस थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं माइनस कॉट 25 प्लस थीटा, क्या हमने किया 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, और थीटा की जगह पर क्या हमारे पास थीटा के, जिसको मतलब थीटा वन मान लिया, ठीक है, सपोज करो 10 थीटा वन इक्वल टू क्या 90 माइनस थीटा वन वेयर थीटा वन इक्वल टू कितना है 65 माइनस थीटा है, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर देखो इसको एक्सपेंड करेंगे कॉट 90, अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 65 हो जाएगा प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट 25 प्लस थीटा, ठीक है, अब देखो 90 माइनस 65 कितना होगा 90 माइनस 65 25 हो जाएगा, ठीक है, थीटा माइनस कॉट 25 प्लस थीटा, तो देखो यहाँ पर एक प्लस कॉट 25 प्लस थीटा है माइनस कॉट, ये कैंसिल होकर क्या देगा 0 देगा, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया स्टूडेंट 0 डिग्री आ गया, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर भी इसको भी इवेल्युएट कर लेंगे नाइन्थ क्वेश्चन, तो देखो स्टूडेंट तो पता चल रहा है आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको हटा देते हैं नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाले इसका भी आंसर आई थिंक 0 ही आएगा, देखो साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, किसी एक को चेंज करना, ठीक है, 38 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, ठीक है, एंड 52 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, कोई एक चेंज करना है, यहाँ पर देखो साइन क्या लिख लेंगे 90 माइनस 52 लिख लिया, ठीक है, इतनी बात समझ में, माइनस कॉस 52 डिग्री। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या कॉस 52 डिग्री होगी, माइनस कॉस 52 डिग्री, ये कैंसिल होकर क्या देगा 0 देगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, अब देखो नेक्स्ट ये दे रखा हमारे पास फाइंड द, इफ देखो sec थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा, वेयर द cos थीटा इक्वल टू कितना है
दिस वन, 1/2 है। तो सिंपल सी बात है, कॉस थीटा ऑलरेडी दे रखा है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हमारे पास 1/2 है। सेक थीटा क्या होता है स्टूडेंट, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/1/2, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई, डायरेक्ट हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा तो कॉस थीटा कितना हमारे पास 1/2 है, सेक थीटा कितना है 2 है, 2। अब ये कितना हो जाएगा 1, और ये तुम्हारा क्या डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये कितना 2, 4 हो जाए, ये 2 वन टाइम में 4 हो जाएगा, तो 5/2 आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट, इसकी इसका आंसर कितना आ रहा है 5/2 आ रहा है। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5/2 आ रही है। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट। देखो ये दे रखा हमारे पास 11th क्वेश्चन है, 3 cot² 60° एंड sec² 45°। क्लियर है इसकी वैल्यू, आप तो आपको पता है स्टूडेंट इसका टेबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 60 का होल स्क्वायर एंड sec 45 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड cot 60 कितना होगा, cot 60 हो जाएगा 1/√3, ठीक है। 3 क्या होगा 1/√3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 3, और sec 45 कितना होगा, देखो cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। और sec 45 जस्ट रेसिप्रोकल होगा, तो मतलब sec 45 कितना हो जाएगा, मतलब √2 हो जाएगा। तो ये देखो √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और ये 2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 1+2 कितना मिला 3 मिला। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट 3 मिल रही है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, इसका आंसर हमारा कितना है 3 है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट, ये देखो हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं स्टूडेंट। तो 12th क्वेश्चन में हमारा दे रखा है, ये दे रखा है 3x = cos थीटा एंड 3/x = cot थीटा दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 × x² -1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3x = cosec थीटा, ठीक है cosec थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec थीटा डिवाइड बाई 3। क्लियर है, x इक्वल टू क्या होगा cosec थीटा डिवाइड बाई 3 होगा, एंड 3/x = कितना है हमारे पास 3/x = कितना है cot थीटा है। तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी cot थीटा डिवाइड बाई 3 हो जाएगी। क्लियर है, तो हमें क्या इवेलुएट करना है 3x² - 1x² की वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो देखो x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या हमारे पास, देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हमारे पास, दिस वन cosec थीटा बाई 3 है, 1/x की वैल्यू कितना है cot थीटा बाई 3 है। क्लियर, तो रिप्लेस करेंगे इसमें तो हमारा क्या मिलेगा स्टूडेंट 3, तो ये क्या हो जाएगा cosec थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, -1/ अब देखो 1/x² की वैल्यू कितनी है, दिस वन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं cot थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो 3 ये कितना हो जाएगा cosec² थीटा बाई 9 हो जाएगा, एंड cot² थीटा बाई 9 हो जाएगा। एक काम करते हैं 3 1/9 बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पर cosec² थीटा माइनस cot थीटा, cot² थीटा। अब ये स्टूडेंट 1 होता है कैसे, देखो ध्यान से, क्या तो वी नो दैट 1+cot² थीटा इक्वल टू क्या होगा cosec² थीटा होता है, तो ये 1 इक्वल टू कितना हो गया cosec² थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी हमें पता है स्टूडेंट cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, ये कितना होता है 1 होता है। तो इसकी वैल्यू हम क्या रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो ये वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी रिप्लेस कर देंगे, ठीक है रिप्लेस 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, तो देखो ये आ जाएगा आपका 3 टाइम में गया तो 1/3, और ये कितना हो गया 1 हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिला 1/3 आंसर मिला। क्लियर स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/3 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जाते हैं। तो देखो ये भी क्वेश्चन वैसे ही दे रखा है स्टूडेंट, तो देखो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो इसको हटा के सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तो सेम टाइप का है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। हर टाइप के एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेम इसी तरह से आप करिए इसको भी। अब क्या है हमारे पास, ये देखो x दे रखा है, 2r नहीं है x है, ठीक है।
तो देखो 2x इक्वल टू कितना दे रखा है, sec a दे रखा है, तो x इक्वल टू कितना होगा इसमें, sec a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 बाई x कितना दे रखा है, tan a दे रखा है, तो 1 बाई x कितना हो जाएगा, tan a बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, तो यह हमारा हो गया। अब क्या काम करेंगे, हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू x का स्क्वायर माइनस 1 बाई x का स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, sec a बाई 2 है, एंड तुम्हारा 1 बाई x कितना है, tan a बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा sec a बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई x की वैल्यू कितनी है, tan a बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर a बाई 4 एंड tan स्क्वायर a बाई 4, ठीक है। तो एक काम करेंगे, 2 1/4 बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, क्लियर है। अब ये भी 1 होता है, कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान से, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कितना होगा, sec स्क्वायर होगा, ठीक है। sec स्क्वायर a या से कुछ भी हो सकता है एंगल, तो 1 इक्वल टू कितना होगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 1 है, ठीक है। देखो तो sec स्क्वायर a इक्वल टू कितना है, 1 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 रिप्लेस कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास मिल जाएगा, तो ये कैंसिल करेंगे तो क्या 1/2 आएगा, और इसकी वैल्यू 1 है, तो फाइनली हमारे पास क्या मिला, 1/2 मिला। तो इसका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो देखो 14 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये दे रखा है साइन थीटा, हमारे पास कितना दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, ठीक है, 1/3 दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, क्या दे रखा है, 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो देखो 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है, 2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिलेगा, और ये कितना होता है, cosec स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट, वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो 2 ये होगा 1/sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्लियर है, इतनी बात समझ में। और साइन देखो तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 1/sin थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट 1/3 दे रखा है, तो 2 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर बड़ा सावधानी से सॉल्व करना होता है स्टूडेंट, कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं और कैलकुलेशन गलत करते हैं। ये देखो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 × 3/1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, तो 2 × 3 का स्क्वायर, मतलब 2 × 9 मतलब 18 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा स्टूडेंट, 18 होगा, क्लियर है स्टूडेंट, इसका आंसर 18 होगा, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कैसे करना है, नेक्स्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये देखो हमारा 15 क्वेश्चन दे रखा है, तो ये दे रखा है sec स्क्वायर थीटा स्टूडेंट, ये दे रखा है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर देखो सॉल्व कैसे करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k कब करना है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू k दे रखा है, तो sec स्क्वायर थीटा, तो देखो 1 माइनस साइन, देखो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, a का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी ये यूज कर लेंगे, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, तो sec स्क्वायर थीटा, अब ये क्या हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, और ये कितना होता है स्टूडेंट, cos थीटा होता है, कैसे, तो देखो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। अब आपको पता है sec थीटा जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लेंगे sec थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, तो ये कितना होगा 1 बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, तो ये कितना हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 1 मिला, तो
के इक्वल टू, देयर फॉर के इक्वल टू कितना होगा, वन होगा। के की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, वन आ गई। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, 60 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सेक ए कितना दे रखा हमारे पास, सेक ए इक्वल टू दे रखा हमारे पास 15/7 दे रखा। तो इसको दो तीन तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है स्टूडेंट, सही से बना लेते हैं, वन मिनट। ये आ जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आप मान लो 90 डिग्री है, ठीक है, और ये बी है और ये ए है और ये सी है, ठीक है। तो सेक थीटा मतलब क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस अपन बेस दे रखा है, हाइपोटेनियस अपन बेस ये 15 दे रखा है। और बेस क्या है, अगर मान लो ए के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो ए कितना दे रखा है हमारे पास, 7 दे रखा है, ठीक है। मतलब ये बेस कितना दे रखा है, 7। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये हम बता सकते हैं, ठीक है, कॉस बी भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉसेक बी क्या होगा, देखो ध्यान से, ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में अगर देखते हो तो कॉसेक बी क्या होगा, कॉसेक बी साइन का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉसेक बी जो होगा, ध्यान से, कॉसेक बी क्या होगा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, दिस वन, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है, दिस वन। तो हो जाएगा 15/7 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। और भी दूसरा तरीका है, और भी दूसरा तरीका है, बट हमारे पास क्या करना है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे ए प्लस बी इक्वल टू 90 दे रखा है, तो इसकी हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम, 90 डिग्री, तो बी को हमने ऐसे ही रहने दिया, 90 माइनस ए लिख दिया, ठीक है, टेकिंग कॉसेक थीटा ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉसेक ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम कॉसेक ले लेंगे, कॉसेक बी एंड कॉसेक 90 माइनस ए, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो कॉसेक बी जो होगा, कॉसेक बी एंड कॉसेक 90 माइनस ए क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वी नो दैट कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक थीटा होता है, वही यहाँ पर यूज किया, ठीक है। और कॉसेक बी जो होगा, और सेक ए कितना हमारे पास, 15/7 है, 15/7 हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन को तभी सॉल्व करते हैं जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या था, ए प्लस बी इक्वल टू 90 था और सेक कितना देखा, 15/7 था। इनका यूज करके ही हमें इवेल्युएट करना है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/7 आ जाएगी। क्लियर है, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट, ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हुए हैं और भी एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।